कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने कहा कि पुणे में 8 हाईवे प्रोजेक्ट 2 कंपनियों को दिए, जबकि यह अवैध है। कानून के मुताबिक एक कंपनी को 2 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, यहां 4 दिए गए हैं। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने पवन खेड़ा से खास बातचीत की। विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं और अब इसके बाद साफ तौर पे आज राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र सरकार पे। इस सिलसिले में उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपने आरोप लगाया प्रीपेड चंदा और पोस्ट पेड धंधा क्या है? भाई, जिन कंपनियों को आपने ये काम दिए हैं, गैर कानूनी रूप से दिए हैं, सारे नियम कानून को ताक पे रख के दिया है, तो जाहिर सी बात ऐसी आपने उनसे एडवांस में पेमेंट ली होगी, जैसे कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करते थे। प्रीपेड सर्विस जो थी, पोस्टपेड सर्विस थी, अलग अलग तरह की सेवाएं आपने कंपनियों को दी हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वक्त। तो यहाँ 10,087 करोड़ में जो काम होने थे वो 20,990 करोड़ में दिए गए। एक कंपनी को 2 प्रोजेक्ट्स मिल सकते थे, 4 दे दिए गए, जिसमें टनल का काम सिर्फ 10% का हो, उसको टनल प्रोजेक्ट करार कर दिया गया ताकि कुछ कंपनियों को आप एलिमिनेट कर सकें और अपनी चहेती कंपनियों को काम दे सकें। महाराष्ट्र में इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से डगमगाई हुई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, हत्या के बाद, जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं सलमान खान को, उससे हम हैरान हैं, पूरा देश हैरान है कि एक गुजरात की जेल में बैठा हुआ आदमी पूरा अपना गैंग कैसे चला रहा है। फेसबुक पे उसने गैंग बना दिया 700 लोगों का, कैसे संभव है? किसका उसको प्राश्रय मिला हुआ है? कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? गुजरात की जेल में वो क्यों है? क्यों नहीं वो तिहार से, क्यों उसको हटाया गया, गुजरात क्यों ले जाया गया? ये सब सवाल अब लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से सर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसे आप क्या? बार बार पिछले 10 साल में हमने सिर्फ बहानेबाजी सुनी, पहले वादे चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद दावे, और जब पकड़े जाओ, दावे झूठे पाए जाए, तो आप बहानेबाजी शुरू कर देते हो कि केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब में आप सरकार में आ जाओ तो कहते हो हरियाणा में पराली जल रही है, और केंद्र सरकार को देखो तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन दिल्ली में बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, अस्थमा के बढ़ते जा रहे हैं, सुनते रहते हैं आप केसेस बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग सुबह वॉक पे नहीं जा पा रहे, इस तरह की भयावह स्थिति दिल्ली में 90 के दशक में भी नहीं थी जितनी अब हो गई। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ, मैं सौम्या मिश्रा।